गुरदास जी द्वारा रचित यह पद्य मैं आपको बता देती हूँ। पद का आपको मैं बताऊंगी अर्थ, लाइन वाइज अर्थ बता रही हूँ, तो सुनिएगा। उधव तुम हो अति बड़ भागी। इस पंक्ति में गोपियाँ उधव से व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यानी कि जिस प्रकार से पत्ता जल के भीतर रहता है और उसके ऊपर एक भी बूंद भी पानी की नहीं गिरती है, उसी प्रकार से तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम से वंचित हो। जो जल माह तेल की गागरी, इसका मैंने आपको बता दिया है। जिस प्रकार से तेल की गागरी यानी जिस घड़े पर तेल लगा दिया गया हो और उसे हम पानी में भिगो दें तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं चिपकेगी, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी गोपियों को, गोपियां कहती हैं कि तुम्हें उनके प्रेम की एक छींट भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी है। प्रीति नदी में पाम न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण तुमने कभी प्रीति रूप नदी में पैर नहीं डुबोए, तुम बहुत विद्यमान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो यानी प्रीत के नदी यानी प्रेम की नदी में आपने पाँव नहीं रखा है। दृष्टि न रूप परागी यानी कि हम आप उसके प्रेम में नहीं रहेंगे, कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। सूरदास अबला हम भौरी, वो कहती हैं कि हम भोली भाली सी गोपिकाएं हैं और गुड़ के चीटी जैसे लालच में आ जाती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में आकर्षित हो गई हैं। सभी पंक्तियों का मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से भावार्थ बता देती हूँ। उद्धव जी से व्यंग्य कर रही हैं इस पद में गोपिकाएं, वो कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। फिर वो कहती हैं कि आप कमल के पत्तों के समान हो जो रहता जल में है लेकिन डूबता नहीं है। फिर उसकी तुलना, उद्धव जी की तुलना वो करती हैं तेल की गगरी यानी तेल लगाए हुए घड़े के समान जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम की उस पर एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं, तुम बहुत विद्वान हो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, लेकिन हम भोली भाली गोपिकाएं हैं
इसलिए हम उनके प्रति वैसे ही आकर्षित हो गई जैसे चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती है। दूसरे पद का मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। मन ही मांझ रही। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से ये कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब नहीं कह पाएंगी, यानी कि मन ही मांझ रही वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो नहीं कह पाएंगी। कहिए जाए कौन पो ऊधो नाही परत कही। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें ये बातें कृष्ण से कहनी हैं, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं। अवधि असार आस आवन की तनमन विधा सही। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वो आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी विरहिनी विरह दई, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है और हम विरह की आग में जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। चाहती हुती गुहार जितही तें उर तें धार भही, सुरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हमारो हरी हारिल की लकड़ी। इस पंक्ति में कहती है कृष्ण के लिए गोपियाँ कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। देखिए इस पंक्ति का भाव, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसों ज्यों करोई ककरी, सोतो ब्याघे ब्याध ही हम कौन ले आए देखी सुन न करी। यह तो उसुर तिनही लय सौंपो जिनके मन चकरी। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना ना देखा और न ही इसे भोगा। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। ये कह करके गोपियां उद्धव जी को अपना मन का संदेश
दे रही हैं। हरे हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मथु करके समाचार सब पाए। एक अति चकतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़े बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इन पदों में गोपिया कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ व्यंग्य कर रही हैं और व्यंग्य से कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ ले हैं जिससे उनकी बुद्धि और भी तेज हो गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे थे पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए चलत जो तिजुराए। तय क्यों अनित करें आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूचो प्रजा न जाहिस्ता। उनकी बुद्धि बढ़ गई है तभी तो वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर देंगे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने दे, यही राजधर्म है। गोपियाँ इस पद में उद्धव जी को अपना पुनः संदेश दे रही हैं कि जाकर श्री कृष्ण भगवान को ये कह देना कि आपका काम है अपराधियों को दंड देना या अत्याचारियों को दंड देना, लेकिन आप हमें योग का संदेश दे करके खुद ही अत्याचार कर रहे हैं। और वो पुनः उन्हें सजेशन दे रही हैं, अपनी राय दे रही हैं कि आप राजा हैं तो राजा को चाहिए कि प्रजा का ख्याल रखे और प्रजा को कोई कष्ट ना पहुंचने दे, यही राज धर्म है। ये मैंने आपको चारों पदों की व्याख्या बताई है सरल भाषा में। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सूरदास का थोड़ा परिचय दे देती हूँ। सूरदास का जन्म जो है सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।